इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर गंजवासोदा से हमारे पास आ रही है, जहां की एक नल जल कनेक्शन से जुड़ी हुई समस्या सामने आई है। जी हां, अधिक प्रेशर के लालच में वहां पर लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत शहर में नगर पालिका के द्वारा नवीन पाइप पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया है और उसी कंपनी को लोगों को कनेक्शन देने का भी जिम्मा सौंपा गया है। यह कंपनी जहां 2300 रुपये में नल कनेक्शन करके लोगों को दे रही है, वहीं नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की साठ गांठ के चलते कई लोगों ने अच्छे प्रेशर के लालच में बड़ी लाइन से कनेक्शन करा लिए हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। नगर पालिका में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। नागरिकों का कहना है कि बीजेपी की सरकार 15 साल से यहाँ है, लेकिन कोई भी काम ढंग का नहीं हुआ है। गंजवासोदा से हमारे संवाददाता एलएन चौबी की एक रिपोर्ट। लगने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि क्या है, जहाँ पे एक बार फिजूम होने के बाद डबल टू वो सडल वहाँ पे नहीं लगता। अपन प्रयास कितना ही करेंगे तब भी नहीं लगेगा, इसलिए वहाँ पे वो जो एक बार पाइप में होल होने के कारण एक जगह हो सकता है, दर्जन से अधिक जगह जो है कि क्लैंप लगाए गए हैं बड़े बड़ी लाइनों में, बड़े बड़े क्लैंप। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात राइट है, सही है। ये नगर पालिका के द्वारा लगाए गए ये जो है, क्योंकि नई जल आवर्धन योजना की जो पाइपलाइन डली हुई है वो बासुदा के मेरे ख्याल से 24 वार्डों में पूरी तरह से फैली हुई नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से पाइपलाइनों से दूसरे कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जो बाकी की लाइनें बची हुई थी जिन वार्डों में गलियों में नहीं, वो लीकेज होने के कारण क्लेम लगाए गए हैं कि पानी पहुँचे वहाँ पर। मैं जांच करती हूँ और उसके बाद जैसा भी करना होगा, यदि FIR होती तो बिल्कुल करूँगी।